लेटेस्ट न्यूज के लिए सब्सक्राइब करें और न्यूज अपडेट्स के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। भाजपा के बागी और युवा नेता बसंत अग्रवाल ने भाजपा में युवाओं की उपेक्षा के मुद्दे को लेकर तीखा हमला बोला है। रायपुर पश्चिम के गुड़ियारी में रहने वाले बसंत अग्रवाल का साझा विधानसभा से निर्दलीय चुनाव लड़ना उक्त दोनों विधानसभा में भाजपा की हार का प्रमुख कारण बना। ऐसा इसलिए माना जा रहा है क्योंकि बसंत अग्रवाल का रायपुर पश्चिम विधानसभा में भारी जनसमर्थन है, तो वहीं साझा में भी उनकी मजबूत पकड़ है। दोनों विधानसभा में से एक में बसंत अग्रवाल की अनुपस्थिति और दूसरे विधानसभा में उनके निर्दलीय चुनाव लड़ने का खामियाजा भाजपा के दोनों प्रत्याशियों को करारी हार के साथ भुगतना पड़ा। बसंत अग्रवाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि भाजपा के प्रति तन मन धन से समर्पण के बावजूद उन्हें किसी के बहकावे में पार्टी से निष्कासित कर दिया गया, जबकि उन्होंने पार्टी को सर्वोपरि मानकर सिर्फ टिकट की मांग की थी। ऐसे में उनका निष्कासन यह दर्शाता है कि भाजपा में अपना पक्ष रखने पार्टी में हमेशा युवाओं की उपेक्षा की गई है। इसी का परिणाम है कि आज भाजपा 15 सीटों में ही सिमट गई है। उन्होंने पार्टी से अपील की कि वे अपने कर्मठ एवं सक्रिय कार्यकर्ताओं की ओर ध्यान दें। ऐसा होगा तभी भाजपा को जनता स्वीकार करेगी। लोकसभा चुनाव और आगामी चुनाव के मद्देनजर भाजपा को इस ओर प्रमुखता से ध्यान देने की आवश्यकता है। कोई चीज हल की जाती तो निश्चित रूप से मैं कभी भी पार्टी के बाहर नहीं जाता, लेकिन निष्कासन करने के बाद मेरे पास कोई भी चारा नहीं बचा था। मजबूर था मैं लड़ने के लिए, क्योंकि मैं योद्धा हूं। लड़ने के लिए ये नहीं सोचता कि परिणाम क्या होगा, जीत होगी कि हार होगी, ये हमारे लिए विषय नहीं है। विषय ये था कि हमें यदि कहीं हमारी चीजें बतानी है, हमारी बात रखनी है, तो यह एक आखिरी तरीका मेरे पास बचा था। भाजपा से आप निलंबित हैं जी, अब आपके पक्ष में भाजपा में क्या माहौल बन रहा है? पूरे लोग कह रहे हैं कहीं बसंत अग्रवाल जी होते तो आज हमको दो विधानसभाओं का नुकसान नहीं उठाना पड़ता, क्योंकि मैं यहाँ था नहीं, पश्चिम में यहाँ रहता तो निश्चित रूप से कैंपेन करता राजेश भैया के लिए और परिणाम कुछ और होते। साझा तो मैं खुला विरोध किया ही था, यहाँ नहीं होने के कारण भाजपा को नुकसान उठाना पड़ा, ऐसा मुझे लगता है और मेरे साथ जितने मेरे समर्थक जुड़े उन्हें भी ऐसा लगता है। साझा में भाजपा का एक ही हार का कारण है, लाभचंद जी बापना, जो उन्होंने 5 साल जनता को त्रस्त किया, सिर्फ वसूली की, अवैध वसूली की, और आखिरी में उन्होंने जनता से ये कह दिया तुमको देना हो तो दो, नहीं देना हो तो मत दो। ये बहुत बड़ा रीजन बना और युवाओं का वहां से भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ माहौल बनना बहुत बड़ा परिणाम था। छत्तीसगढ़ में निश्चित रूप से शराबबंदी एक बहुत बड़ा विषय था और कांग्रेस ने उसको भुनाया। शराबबंदी करना था सरकार को, शराबबंदी करने की बजाय सरकार खुद लाइसेंस से बेच रही थी, बिल्कुल गलत बात थी। और अब हम कांग्रेस, चूंकि कांग्रेस आई है, उन्होंने कहा है शराबबंदी इनके प्रमुख मुद्दे हैं और ऋण माफी इनके प्रमुख मुद्दे हैं, अगर ये नहीं करते हैं तो हम इनके खिलाफ भी आंदोलन करेंगे, निश्चित रूप से सड़कों पर रहेंगे। अब वह पार्टी मेरे साथ क्या क्या कहती है और क्या क्या होता है उसके बाद सारी रणनीति तय करेंगे, पर मोदी जी का आना इस देश के लिए जरूरी है, इसमें कहीं किंतु परंतु नहीं। इसके लिए क्या जरूरी, राम मंदिर की बात है? निश्चित रूप से राम मंदिर बहुत बड़ा विषय है और हम हिंदुओं की भावनाओं का सवाल है, सवाल मेरा बस नहीं है, 100 करोड़ हमारे देश के हिंदुओं का सवाल है और इस मुद्दे को बहुत जल्दी हल होना जरूरी है, नहीं तो परिणाम इससे निश्चित रूप से प्रभावित होंगे, मुझे ऐसा लगता है। For more news updates, do subscribe, like, share and comment. Clipper 28.